तो आज हम सीखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। हम जानेंगे कि कौन कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, और ये क्यों, कैसे रिपीट करती हैं, क्या रीजन है इनकी रिपीटेशन का, क्या ट्रेंड है इनकी रिपीटेशन का, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। पहला हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियाई, देन फिर आपका हो जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर, देन फिर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड देन आपका लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम समझेंगे इनका ट्रेंड वगैरह क्या है इसके अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो एलिमेंट का अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में इसीलिए किया गया ताकि उनकी प्रॉपर्टीज को हम आसानी से समझ सके और उनको एक एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी याद करने की हमें जरूरत ना पड़े। तो हमने अरेंजमेंट कर लिया, अब हम क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम सीखेंगे एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई होता क्या है। तो एटॉमिक रेडियाई होता है डिस्टेंस, आपके डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग एटॉमिक रेडियाई के नाम से जानते हैं। फिगर के थ्रू समझते हैं, तो ये आपका फिगर हो गया एटम का, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, एंड यहाँ पर ये जो एंटीरियर है यानी कि न्यूक्लियस है, वहां से लेकर आउटर मोस्ट शेल ये वाला यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इसको हम लोग जो है एटॉमिक रेडियाई के नाम से जानते हैं, फिर इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। अगर कंबाइंड स्टेट की मैं बात करता हूं, अगर दो एटम आपके कंबाइंड है एंड कंबाइंड करने के बाद वो कोई मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल के केस में क्या होगी एटॉमिक रेडियाई, इसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए ये दो एटम है, ये कंबाइंड स्टेट में है, इन दोनों के न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो उसको कहा जाता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ गई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ जो होगा वो आपका एटॉमिक रेडियाई हो जाएगा इस केस में। एटॉमिक रेडियाई दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला होता है नंबर ऑफ शेल्स एंड सेकेंड होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ शेल्स की मैं बात करता हूँ, तो नंबर ऑफ शेल्स मतलब जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल का नंबर बढ़ता चला जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल भी बढ़ती चली जाएगी, एंड वो बढ़ेगी तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई आपका बढ़ जाएगा। सेकेंड है आपका न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली आपका एक तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं उनकी वजह से चार्ज डेवलप होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज की मात्रा ज्यादा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो हम जान रहे हैं कि रिवोल्यूशन में आपका इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ न्यूक्लियस में आपका जो है प्रोटॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ तेजी से अट्रैक्ट करेगा एंड तेजी से अट्रैक्ट करने की वजह से जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, यानी कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आपका एटॉमिक रेडियाई घट जाएगा, ये पॉइंट हो गई बात। अब हम इसके ट्रेंड को समझते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो ग्रुप के मैं बात करता हूँ सबसे पहले, तो ग्रुप में क्या होता है, जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो अलोंग द ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो है नंबर ऑफ शेल्स की संख्या बढ़ जाती है, एंड नंबर ऑफ शेल्स की संख्या बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपका जो साइज है वो बढ़ जाएगा एंड इंक्रीजमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियाई हमें देखने को मिलता है, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई आपका बढ़ जाता है। सेकेंड बात आती है अलोंग द पीरियड, पीरियड के अलावा आप जब भी मूव करते हैं तो पीरियड के अलावा नंबर ऑफ सेल्स कॉन्स्टेंट होते हैं, एंड नंबर ऑफ सेल्स कॉन्स्टेंट होने के साथ साथ उनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से उनका एटॉमिक साइज घट जाता है। तो होता क्या है कि अलोंग द पीरियड जाने पर आपका लेफ्ट से राइट जब जाएंगे तो एटॉमिक साइज हमेशा घट जाएगा, लेकिन इस पॉइंट में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन आता है आपका नोबल गैस या फिर नोबल ग्रुप का, नोबल ग्रुप या फिर नोबल गैसेस का जो ग्रुप है वहां पर क्या होता है, जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो आपका साइज जो है घटना चाहिए, यानी कि एटॉमिक रेडियाई सबसे कम होनी चाहिए आपकी नोबल गैसेस की, मगर ऐसा होता नहीं है, नोबल गैस की रेडियाई सबसे ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कंप्लीट है, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज वाला कंसेप्ट वहां काम नहीं करता, एंड इसी वजह से उनका जो साइज होता है एटॉमिक रेडियस होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो हमेशा अगर आपसे कभी कोई ट्रेंड पूछेगा तो ट्रेंड आप अलोंग द पीरियड घटता हुआ बताएंगे, लेकिन एक्सेप्शन में आपको ऐड करना होगा नोबल गैसेस का। अगर कुछ एलिमेंट्स आपको गिवन है एंड उसका आपको ट्रेंड पूछेगा एंड नोबल गैस इंक्लूड है तो नोबल गैस को प्रायोरिटी देंगे, नोबल गैस का एटॉमिक रेडियाई सबसे ज्यादा होगा, एंड देन फिर फर्दर आप ये कंसेप्ट यूज करेंगे न्यूक्लियर चार्ज का।
अब हम सीखेंगे मेटलिक कैरेक्टर के बारे में। मेटलिक कैरेक्टर होता क्या है, कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो आपका इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल से, एंड इसकी जो टेंडेंसी होती है इसी को हम मेटलिक कैरेक्टर कहते हैं, एंड जो इलेक्ट्रॉन रिमूविंग एलिमेंट्स होते हैं उनको मेटल कहते हैं। मतलब होता क्या है कि दोस एलिमेंट्स लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आर नोन एज मेटल्स, एंड दिस टेंडेंसी इज नोन एज मेटलिक कैरेक्टर। अब बात आती है कि मेटलिक कैरेक्टर ये शो क्यों करते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ सोडियम का एग्जाम्पल है। सोडियम क्या होगा, सोडियम आपका एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा एंड ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन के टर्म में समझे तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन यहाँ पर 281 था एंड ये कन्वर्ट हो गया 28 में। मतलब हुआ क्या कि ये नोबल गैस कंफिगुरेशन को पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को अपना रिमूव करता है एंड इसको हम लोग मेटल के नाम से जानते हैं। अगर हम मेटल के मेटलिक कैरेक्टर के ट्रेंड के ऊपर बात करें तो मेटलिक कैरेक्टर का ट्रेंड दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला हो जाएगा आपका एटॉमिक साइज एंड दूसरा आपका हो जाएगा न्यूक्लियर साइज, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक साइज ये दो पॉइंट हो जाएंगे। अब एटॉमिक साइज कैसे जो है इसको वेरी कराएगा मैं बात करता हूँ इसके ऊपर। पहले होता क्या है कि अगर हम देखें साइज ऑफ एटम के बारे में बात करें तो शेल्स में क्या होगा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आउटर मोस्ट शेल्स के नंबर ज्यादा होंगे तो होगा क्या कि आपका जो न्यूक्लियस है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो दूर होते चले जाएंगे एंड नंबर ऑफ शेल्स जैसे जैसे बढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता चला जाएगा एंड बहुत ही आसानी से वो जो एलिमेंट्स होंगे वो अपना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। अब सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज कैसे वेरी कराएगा। न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो आपका एक तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो कि प्रोटॉन जो होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाते हैं। होता क्या है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो आउटर मोस्ट शेल में है, तो होगा क्या उनका रिमूवल उनका निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा एंड एक बार उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा मेटलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज कर जाएगा। अब इसको हम ट्रेंड के तौर पे समझते हैं कि ट्रेंड क्या है अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द ग्रुप पहले बात करते हैं, तो अलोंग द ग्रुप जाने पर क्या होता है, जब हम अलोंग द ग्रुप मूव करते हैं तो आपका जो साइज होता है एटम का साइज ऑफ सेल बढ़ता चला जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले जाते हैं, इस वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो कम हो जाता है, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से रिमूव कर जाता है। यानी कि आप जब मूव करते हैं डाउन द ग्रुप तो उसमें क्या होगा आपका मेटलिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज करेगा। सेकंड पॉइंट आती है अलोंग द पीरियड मूव करने पे क्या होगा, तो अलोंग द पीरियड जब आप मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ तो होगा क्या कि नंबर ऑफ सेल्स आपके कॉन्स्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर जाएगा एंड जैसे न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज करेगा इसकी वजह से क्या होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो पाएंगे एंड इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं हो पाएंगे तो मेटलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज कर जाएगा। इस वजह से होता क्या है कि अलोंग द पीरियड मूव करने पर शुरुआत के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं, बीच में मेटलॉइड्स आ जाते हैं एंड आपके जो राइट साइड है उसमें आपके नॉन मेटल्स आ जाते हैं। अब हम सीखेंगे नॉन मेटलिक कैरेक्टर के बारे में। नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन की टेंडेंसी दिखाते हैं, मतलब उनके वो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं एंड इसी प्रॉपर्टी को नॉन मेटल उन एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स कहा जाता है एंड प्रॉपर्टी को नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन आपका जो है ये हो जाएगी नॉन मेटलिक नेचर। अब एग्जाम्पल के तो समझते हैं, यहाँ पर आपका क्लोरीन का एग्जाम्पल है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके सीएल माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन को देखें तो ये आपका 287 था, ये 288 हो गया। ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब बात आएगी कि ये नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिपेंड किन किन चीजों पे करेगा, तो फिर से ये सेम जो है एटॉमिक साइज पे एंड आपका न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करता है इसको हम समझते हैं। होता क्या है कि अगर आपका एटॉमिक साइज मान लीजिए छोटा है तो एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से जो आपका अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा होगा एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से आसानी से वो आपका इलेक्ट्रॉन आपका एलिमेंट गेन कर सकता है। सेकंड पॉइंट होता है न्यूक्लियर चार्ज का, तो न्यूक्लियर चार्ज की तो प्रॉपर्टी यही है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। अब इसके ट्रेंड को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ट्रेंड को समझते हैं अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो पहले बात करते हैं अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो होता क्या कि साइज आपका इंक्रीज कर जाता है एंड साइज अगर आपका इंक्रीज कर जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएंगे एंड कम होने की वजह से आपका डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर आपका डिक्रीज करने लगता है। सेकंड बात आती है अलोंग द पीरियड।
अगर हम अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो होगा क्या कि नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीमेंट होता है एंड न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीजमेंट होने की वजह से आपका जो नॉन मेटलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता है। इस वजह से क्या होता है, हम देखते हैं कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो जो लास्ट राइट साइड में आपके एलिमेंट्स होते हैं, राइट साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसको पहले समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। तो ये क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम फ्रॉम आउटर मॉइस्चर। मतलब क्या हुआ कि एक आइसोलेटेड गैसेस एटम को हम लेंगे एंड उसके आउटर मॉइस्चर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने का है कि हम हमेशा जो गैसेस एटम लेंगे वो आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कि सिंगल गैसेस एटम से ही हम इलेक्ट्रॉन को निकालने की यहाँ बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रिएक्शन की बात करूं तो ये आपका कोई भी मेटल था गैसेस फॉर्म में, यहाँ पर उसको आपने एनर्जी दी एंड एनर्जी देने के बाद वो गैसेस फॉर्म ही आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर एक इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव कर दिया। अब बात करते हैं कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है उसको इफेक्ट कौन कौन सी चीजें करती हैं। तो दो फैक्टर्स उसको इफेक्ट करेंगे, पहला होगा जो है आपका एटॉमिक साइज एंड सेकेंड वन होगा आपका न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज कैसे इफेक्ट करेगा समझते हैं। तो होता क्या कि एटॉमिक साइज जैसे कि आपका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे, साइज बड़ा हो जाएगा, तो साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस घट जाएंगे एंड अट्रैक्शन फोर्सेस घटने की वजह से क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप कम एनर्जी भी देंगे तो तब भी वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर जो इफेक्ट करेगा वो आपका न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यानी कि अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। इसके ट्रेंड को समझते हैं आसानी से। तो होगा क्या कि इसके ट्रेंड को हम समझेंगे अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द ग्रुप जाने पर क्या होगा, अलोंग द ग्रुप हम देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाने की तरफ आपका नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा, साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ने की वजह से आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी कम रिक्वायर्ड होगी एंड कम एनर्जी में ही आसानी से आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। अलोंग द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा, अलोंग द पीरियड मूव करने पे आपके नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एंड ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो रिमूवल हो सके इलेक्ट्रॉन का। तो अलोंग द ग्रुप आपका अलोंग द पीरियड जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, एनर्जी रिलीज ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन आइसोलेटेड गैसेस एटम। मतलब कोई एक आइसोलेटेड गैसेस एटम है, ध्यान देने वाली बात फिर से आइसोलेटेड गैसेस एटम की यहाँ बात हो रही है, उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होगी उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। रिएक्शन की तो समझते हैं, ये आपका एक्स को गैसेस फॉर्म में था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, X- गैस बन गया और जो एनर्जी रिलीज हुई वो आपकी हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दो फैक्टर्स पर ये भी डिपेंड करती है, पहला फैक्टर आपका फिर से हो जाएगा एटॉमिक साइज एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज को समझते हैं, तो एटॉमिक साइज अगर आपका छोटा होगा तो अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो वर्ड एफिनिटी है, एफिनिटी मतलब होता है अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग हो गया यहाँ पर एक तरीके से। तो अगर न्यूक्लियर साइज ज्यादा होगा तो जो आप न्यूक्लियर साइज छोटा होगा, अगर एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी एंड एक बार अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर आपकी बढ़ गई तो आपका इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी, तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन या फिर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट होता है आपका एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज पे डिपेंड कैसे करेगा, साइज बड़ा है मान लीजिए तो साइज बड़ा होने की वजह से क्या होगा कि अट्रैक्शन फोर्सेस कम है, अट्रैक्शन फोर्सेस कम है तो इलेक्ट्रॉन अगर एडिशन जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। इसके ट्रेंड को हम समझने की कोशिश करते हैं अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड हम समझते हैं, तो अलोंग द पीरियड जाने पर क्या होता है, हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है
एंड एटॉमिक साइज की इंक्रीमेंट की वजह से क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वो वैल्यू आपका डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं अलोंग द पीरियड मूवमेंट की बात करते हैं तो अलोंग द पीरियड मूव करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो नंबर ऑफ शेल्स है वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ शेल्स कॉन्स्टेंट होने के साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीमेंट हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है इसको समझते हैं। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये एक एटम की टेंडेंसी होती है किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी हमेशा डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है, अलाइक जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी था, तो उनकी यूनिट एनर्जी के टर्म में थी, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। अगर मैं बात करता हूँ कि किस चीजों पे ये डिपेंड करेगी, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करेगी, पहला आपका होगा एटॉमिक साइज एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लियर चार्ज। अगर एटॉमिक साइज छोटा होगा तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी, एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएगी तो आसानी से एटम जो होगा वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, एंड इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। सेकेंड पॉइंट होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस फिर से बढ़ जाएंगी, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ने की वजह से वो आसानी से आपका शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एटम खींच सकता है। इसके ट्रेंड को समझते हैं अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड। तो अलोंग द ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ हम जाएंगे तो होगा क्या कि आपका साइज बढ़ जाएगा, एंड साइज बढ़ने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस घट जाएंगे, एंड अट्रैक्टिव फोर्सेस के घटने की वजह से क्या होगा कि आपका जो अट्रैक्टिव फोर्सेस घटने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो भी घट जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी। अलोंग द ग्रुप अगर अलोंग द पीरियड अगर आप मूव करेंगे तो अलोंग द पीरियड मूव करने पर क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ने की वजह से जो आपका शेयर्ड पेयर है वो आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी जो है फ्लोरीन की होती है। अब हम समझते हैं एक कॉन्सेप्ट को जिसको हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। होता क्या है कि अगर आप ग्रुप जो है टू एंड जो है ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो होता क्या है कि अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड मूव करने पर कई बार जो एलिमेंट्स डायगोनली अट्रैक्ट होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है जिसको हम डायगोनल रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को फुल फॉर्म में देखेंगे तो वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जहां पर एक दूसरे के बीच में जो है डायगोनल रिलेशनशिप है। आफ्टर दैट ये दोनों अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसके बावजूद उनके बीच में एक रिलेशनशिप है।